नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख शासक, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, जयपुर में जंतर मंतर किसने बनाया? पहला स्वयं जय सिंह, दूसरा प्रताप सिंह, तीसरा मान सिंह, चौथा है माधव सिंह। तो क्या होगा इसका सही आंसर, किसको आता है बताएं। तो जयपुर में जंतर मंतर किसने बनवाया था? पहला सही हो जाएगा सही जय सिंह ने। जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे बड़ी जयपुर की वेधशाला थी। अगला क्वेश्चन है, राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता था, या राय पिथौरा किस शासक की उपाधि थी? पहला है राणा सांगा, दूसरा राणा कुंभा महाराणा कुंभा, तीसरा मालदेव, या चौथा पृथ्वीराज चौहान की। तो किस शासक की उपाधि थी? क्या होगा इसका सही आंसर, राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की। ये जयपुर में जो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, कब करवाया था? 1734 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे? किस वंश के? सिसोदिया वंश के। कौन? महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे? पहला है 1192 ईस्वी, दूसरा 1433 ईस्वी, तीसरा 1403 ईस्वी, और चौथा है 1427 ईस्वी को। किसी को आता हो तो बताएं कब बैठे थे, क्या होगा इसका सही आंसर, महाराणा कुंभा, दूसरा सही होगा 1433 ईस्वी को। चाचा और मेरा ने मोगल की हत्या की थी 1433 ईस्वी में। उसके बाद कौन बैठे थे? कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के किस शासक का शासन काल मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण युग था? पहला है पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान कह सकते हो, दूसरा महाराणा कुंभा, तीसरा महाराणा सांगा, चौथा है महाराणा प्रताप। तो सांस्कृतिक दृष्टि से किसका युग स्वर्ण युग था, कैसे हो जाएगा इसका, किसी को आता हो तो बताएं। इसका सही होगा महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था कब से कब तक था? पहला है 1180 से 1194 ईस्वी, और दूसरा है 1177 से 1192 ईस्वी, तीसरा है 1433 से 1466 ईस्वी, और चौथा है 1190 से 1205 ईस्वी। तो क्या सही होगा, मोहम्मद गौरी से जो युद्ध हुआ था 1192 का, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, तो कब तक था उनका शासन, कैसे हो जाएगा, दूसरे से हो जाएगा 1177 से 1192 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के व्यक्तित्व में कटार कलम व कला की त्रिवेणी थी? अच्छा क्वेश्चन है, किस शासक के व्यक्तित्व में कटार कलम व कला की त्रिवेणी थी? किस किस की? कटार की, कलम की और कला की। पहला है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा है अमर सिंह है, तीसरा है महाराणा कुंभा, और चौथा है महाराणा सांगा। तो क्या सही होगा इसका, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, किसी को आता हो तो बताएं।
तो तीनों की कौन से रहेगा? महाराणा कुंभा, इन्होंने इनमें देखने को मिलती थी, ये संगी मतलब कवि भी थे, रचनाएं भी करते थे और कट्टायर के धनी थे और कला प्रेमी भी थे। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा है 8 भाषाओं। तो कितनी भाषाओं का ज्ञान था पृथ्वीराज चौहान को? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दूसरा, 6 भाषाओं का ज्ञान था। कौन कौन सी 6 भाषाएं थी? संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैसाची, सोरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इन 6 भाषाओं का ज्ञान था पृथ्वीराज चौहान को। अगला क्वेश्चन है, मचान दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? पहला है कुंभा, दूसरा है महाराणा सांगा, तीसरा जय सिंह और चौथा है अमर सिंह ने। तो मचान दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? क्या होगा इसका सही आंसर? किसी को आता हो तो बताए। इसका सही आंसर है कुंभा। कहते हैं कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं, 84 में से कितने 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। कितने? 32 दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित रचना नहीं है, क्या है? नहीं है। तो पहला है संगीत राज, दूसरा संगीत मीमांसा, तीसरी सुर प्रबंध और चौथा है कला निधि। तो कौन सी उनके द्वारा रचित रचना नहीं है? तो क्या सही हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा जाता है। संगीत राज उनके द्वारा रचित है, संगीत मीमांसा रचित है, सुर प्रबंध है कौन सी नहीं है, कला निधि उनके द्वारा रचित रचना नहीं है। कला निधि जो है वो किसकी है? गोविंद की है और हमेशा ये लगभग ऑप्शन में होती है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कला निधि नहीं है, बाकी संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुर प्रबंध तीनों ही कुंभा की है। तो ये थी आज की अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।